काफी भीड़ है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चों की वैक्सीनेशन के अगेंस्ट। आपकी तसल्ली सी करवा देते हैं। ये पुलिस की कार्स है, मैंने शायद इससे घटिया कार किसी कंट्री में देखी नहीं है पुलिस की। ये अपने इंडिया में ही मिलती है, टेस्ट करना काफी अच्छी है। हेलो, नमस्कार, बोंजो, कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया, आई होप आप भी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका द सिटी ऑफ वाइन, द कैपिटल ऑफ वाइन, द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ वाइन इंस्टेड। इस सिटी का नाम है बोर्डो और ये फ्रांस में पड़ता है, साउथ वेस्ट ऑफ फ्रांस, और काफ़ी बड़ी सिटी है ये, और ये मेनली जानी जाती है वाइन मेकिंग के लिए। जितनी इलेक्ट्रिक फ्रेंडली कंट्री नॉर्वे है, ये फ्रांस जर्मनी उसकी 10% भी नहीं है। अभी हमने पार्क की है गाड़ी ये इलेक्ट्रिक पार्किंग के अंदर, लेकिन आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो चार्जर है ना, तो ये कनेक्ट होता है, इसके अंदर दो पिन लगते हैं ताकि इसमें जो अपना स्लो चार्जर है वो आप लगा सके, लेकिन इसकी जो ये विड्थ है ये ज़्यादा है, हमारा चार्जर लगी नहीं रहा। वो चार्जर पूरे यूरोप का है, चार्जिंग किसी ने नहीं लगाई हुई है, सिर्फ पार्क की हुई है। सिर्फ एक गाड़ी की पार्किंग है, इसने ज़बरदस्ती आधी फंसा के आधी इस पर चढ़ा के लगाई हुई है। तो इस तरीके के लोग बहुत हैं यहाँ पर। और भाई यहाँ पे ऐसे कुछ रैली वगैरह निकलती हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। भीड़ देखो कितनी है, पॉपो पीपी होने लग गई है, और ये रेड लाइट ग्रीन ही नहीं हो रही है साली, जैसे रेडी है। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चों की वैक्सीनेशन के अगेंस्ट, के बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगनी चाहिए। और कुछ नज़ारे इस तरीके से ही, वहाँ पर शायद एक फेरिस व्हील लगा हुआ है और बीच में एक पोल भी है, जाके देखते हैं। हर तरफ स्ट्रीट्स हैं, काफ़ी चहल पहल है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर एज सच। टेम्परेचर फ़िलहाल यहाँ पर अभी 12 डिग्री सेल्सियस है, और अच्छा खासा सूरज निकला हुआ था थोड़ी देर पहले, अभी सनसेट हो रहा है और एकदम क्लियर स्काई है, कोई बादल वादल नहीं है। और यहाँ पर इसके लिखा हुआ आला मेमोरे देस गिरोंदिन्स, मतलब पता नहीं क्या इसका, ये कुछ मेमोरियल बनाया हुआ है किसी चीज़ के लिए बनाया हुआ है। और इस साइड इसके बड़े ऐसे प्यारे प्यारे घोड़े लगाए हुए हैं, शायद फाउंटेन्स वगैरह भी चलते होंगे। भी सही आर्ट बनाई हुई है, और इमेजिनेशन देखो, इन घोड़ों को एक तरह से फिश का वो दिया हुआ है, और आगे इनके जो पंजे हैं, इसके पंजे तो नहीं होते घोड़े के, और आगे जिनके पैर हैं इसमें भी जो मछली के फिन्स होते हैं वो दिए हुए हैं, कुछ इस तरीके का है। पीछे मुझे लगा ये जो ट्रैक्स हैं ऑब्सोलीट होंगे सिर्फ पुराने टाइम के, लेकिन इस पर ट्रैम चलती है बाकायदा। तो अभी इसको ऐसे क्रॉस कर गया था, देखा नहीं था मैंने, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ ट्रैम वर्किंग है इस सिटी में, वहाँ पर भी चल रही है, और इसके चारों तरफ ट्रैक बना हुआ है। तो यहाँ पर ये पीकी ब्लाइंडर्स पॉपअप क्लब है कुछ, पीकी ब्लाइंडर्स एक नेटफ्लिक्स पर सीरीज़ है, क्योंकि मैंने देखी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर बेस दिए इन्होंने क्लब बनाया हुआ है। और यहाँ पर जो भी खाने पीने के जो स्टोर्स हैं, जो जहाँ से आप खाना ले सकते हो खा सकते हो, जैसे कि हैमबर्ग और ब्रसल्स में था, वैसे यहाँ कुछ नहीं है। वहाँ पर तो कोरोना सिक्योरिटी पास और वो सब कुछ चेक कर रहे थे आपकी वैक्सीनेशन और आपकी आईडी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को कि लोग इतना मास्क वगैरह भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। और खाने हमने भी यहाँ जितने भी खाना खाया है ऑर्डर किया है, तो आज से हमारा भी वैक्सीनेशन उन्होंने मांगा नहीं था। बना हुआ है पूरा स्क्वायर सा, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, और ट्रैम शायद यहाँ पर भी आती है। मैं सोच रहा हूँ कि ट्रैम ले लेता हूँ, जहाँ जहाँ ट्रैम घुमाएगी वहाँ घूम लेते हैं। और ये इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है जो कि पुरानी किसी बिल्डिंग में बना हुआ है। इस साइड भी क्रिसमस मार्केट लगी हुई है जो कि हर किसी सिटी में लगी हुई है। ये पुलिस की कार्स है, मैंने शायद इससे घटिया कार किसी कंट्री में देखी नहीं है पुलिस की। इंडिया में जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, उनके पास भी इससे ढंग की कारें हैं, ये रनों की पता नहीं कौन सी जीप या डब्बा लेके घूम रहे हैं। इसको इस एंगल से देखोगे तो इसका फेस चेंज होता रहेगा, लेकिन ये एक्चुअल में सिर्फ एक फ्लैट बना हुआ है सरफेस, लेकिन इसको बनाया इस तरीके से गया कि 3D दिखता है। रश देख के लग रहा है कि पुरानी दिल्ली के अंदर आप आ गए हो, काफ़ी भीड़ है, पूरे लोग टक्कर मार रहे हैं एक दूसरे के, क्योंकि सैटरडे है, वीकेंड है, इसलिए भीड़ ज़्यादा है। फर्स्ट टाइम चीज़ देखी है, कैसे स्ट्रीट है बहुत बड़ी, दोनों तरफ शॉप्स हैं, शोरूम्स हैं शॉपिंग करने के लिए, और बीच में सिर्फ और सिर्फ ट्रैम चल सकते, कोई गाड़ी नहीं चलेगी। और इस तरीके से मार्किंग कर रखी है रोड के बीच में कि इसके इस तरफ ट्रैम चलेगी और इसके इस तरफ आप चल सकते हैं। सब कुछ ऐसे है, पीछे से घंटी बजती रहती है ट्रैम की, काफ़ी लंबी स्ट्रीट है। इस तरीके की रौनक है, ऐसे रेस्टोरेंट के बाहर सीटिंग है क्योंकि ठंड इतनी नहीं है यहाँ पर, तो लोग बैठ के खाना खा पा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वाइब अच्छी है वीकेंड की।
सेंटा स्कूटी पे घूम रहा है मस्त लगा के, और ये कुछ ऐसा रेस्टोरेंट है, इसका नाम लिखा हुआ है ला क्लेमेंसियू। और जो इसका नाम लग रहा है, नाम से ही साला इतना महंगा लग रहा है कि अंदर जाके मेन्यू देखने का भी मन नहीं है। कि फ्रेंच चीज़ें जो जैसे इनके नाम होते हैं ला लगा के, लू लगा के, दा विंची, इतना लग्जरी लगता है सुनने में फ्रेंच चीज़ को, चाहे वो टट्टी बोल रहे हो मतलब में, लेकिन फ्रेंच में सुनने में लगता है वाह यार क्या बोला इसने, क्या क्या लग रही है चीज़। ये मेन्यू है मतलब 20-25 यूरो से नीचे कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी भी 15 यूरो का होगा। भाई साहब इस रेस्टोरेंट पे खाने के बाद ये आपकी तसल्ली सी करवा देते हैं, नाम ही रेस्टोरेंट का लगा कर ले तसल्ली। फ्रांस में आके पीनी तो चाहिए वाइन, लेकिन इनको वाइन पसंद नहीं है तो मैं लोकल बियर पी रहा हूँ, क्रोनेनबर्ग। टेस्ट बताते हैं कैसा है। अच्छी बियर है, मज़ा आ गया। और इस साइड कुछ गैलरी है करके, ये पार्किंग है क्या है, लेकिन ये जो इस साइड कैफेज है तो काफ़ी कोजी है। ये देखो आप, भीड़ भी अच्छी खासी लगी हुई है इनके अंदर। बस यहाँ हुक्का की कमी है, हुक्का लगा दो मज़े आ जाएंगे यार। सिटी में कुछ इस तरीके का ट्रैफिक है, गाड़ी लेके आना तो मतलब पागलपंती है। हमको तुक्के से पार्किंग मिल गई है जस्ट 500 मीटर दूर सिटी सेंटर से। पेरिस में हम चक्कर ही मारते रह गए थे पार्किंग के लिए। कुछ कुछ स्ट्रीट्स के अंदर से इस तरफ पार्किंग लगा दी है, एक तरफ लेन बच गया ड्राइव करने की, और चलने के लिए बस ये पतला सा फुटपाथ सा है। इस तरफ शायद घर वगैरह या अपार्टमेंट्स हैं लोगों के। जो मेरे पीछे ये थिएटर नहीं है, ये सिनेमा है, हाँ मूवीज़ वगैरह लगती हैं। और पीछे पूरा ये जो पैटियो टाइप का सिस्टम जो होता है, जो ओपन कैफेज़ होते हैं यहाँ पर हैं खाने का। और एक चीज़ और है, अगर आप कैफ़े में बैठते हैं 7 बजे से पहले आप सिर्फ दारू या कॉफ़ी पी सकते हैं, अगर आपको कुछ खाना है तो किचन इनकी 7 बजे के बाद खुलती है, तो सिर्फ 7 बजे से पहले पहले आपको सिर्फ पीने वीने का सीन है, तो आप बैठो आराम से। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले जो इंटरकॉन्टिनेंटल होटल दिखाया था बिना लाइट्स के, वो लाइट्स बहुत अच्छी तरीके का है। और ये कुछ शायद थिएटर है या पता नहीं कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है, लेकिन ये पेंट नहीं है, लाइट है इसलिए आपको दिख रही है, पेंट नहीं है। ये सेंटर में लिखा है बुर्दो, ये प्रोजेक्शन हो रही है कहीं इस तरफ से, लग रहा है कि यहाँ शादी है किसी की। इंडिया में वैसे ही बिल्कुल लाइट्स लगाई हुई हैं, पर वहाँ पर स्ट्रीट परफॉर्मेंस हो रही हैं जो कि आम बात है यूरोप के अंदर। बड़ी अच्छी भीड़ लगी हुई है, पुलिस नहीं है सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो सिक्योरिटी होती है वो है ये लोग। और ये क्लियर करा रहे हैं ट्रैक को, क्योंकि उस साइड से ट्रैम आ रही है शायद। Merci tout le monde. Merci beaucoup. बस लाइट लगी हुई है पीछे, बैंड बज रहा है, बस 2 बंदों की कमी है, एक मामा की जो 10 की गड्डी उछाल दे, और एक फूफा की या जीजा की जो मुंह फुला के खड़ा हो जाए। बस प्रॉपर शादी वाला माहौल है यहाँ पे, ये लग रहा है कि किसी इंडियन वेडिंग में आ गया। हम लोगों ने रिस्क लिया था कि आपको मैंने दिखाया था कि और भी कार खड़ी हुई है बिना चार्जिंग के पॉइंट लगाए, लेकिन सिर्फ पार्किंग में खड़ी हुई है, हमने अपनी लगा दी थी और पार्किंग पे नहीं की थी। वो रिस्क सही फ़ायदेमंद हो गया, कोई पर्ची वर्ची नहीं लगी हुई है, कोई चलान नहीं कटा हुआ है। और एक और चीज़, इतनी महंगी यहाँ पे रोड है, मतलब इतने ज़्यादा हमने टोल दिए हैं अब तक, ऑलमोस्ट 200 यूरो हम सिर्फ टोल में दे चुके हैं, क्योंकि सिर्फ फ्रांस के, हालांकि उस क्वालिटी के रोड है नहीं, और उस क्वालिटी की पार्किंग और जो रेस्ट प्लेसेस होते हैं जहाँ टॉयलेट्स वगैरह होते हैं वो इतने तगड़े हैं नहीं। और ये यहाँ की लोकल और बेस्ट बियर है, क्रोनेनबर्ग 1664 ब्लॉ, ये अपने इंडिया में ही मिलती है, टेस्ट करना काफ़ी अच्छी है। सो ये थी बोर्डो की सिटी, और अभी बिल्कुल आप देख सकते हैं क्लियर स्काई एकदम, जितना क्लियर स्काई होगा ठंड उतनी ज़्यादा होगी, ठंड बहुत लग रही है। और मैं एक बिल्कुल चिल्ड बॉटल को मैंने पकड़ा हुआ है, मेरे ये वाला हाथ मेरा अकड़ चुका है बिल्कुल। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं मैड्रिड स्पेन, जो कि 700 किलोमीटर दूर है यहाँ से, जो एक बार में कवर नहीं कर पाएंगे हम, रात रात के अंदर 200 या 300 किलोमीटर निकलेंगे, फिर वहाँ सो जाएंगे जहाँ पर भी चार्ज करेंगे, और उसके बाद निकलेंगे हम सुबह। वैसे बोला भी नहीं जा रहा है, इतनी ठंड लग रही है, लेकिन हालांकि टेम्परेचर वही 4-5 डिग्री सेल्सियस। चलो गाइस मिलते हैं फिर कल, और नए शहर में, नई कंट्री में, जो कि मेरी शायद 25वीं या 26वीं कंट्री होने वाली है अब तक की। और लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, टाटा बाय बाय, नमस्कार, चीयर्स।